बॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर दिनेश वनीजा एक बार फिर मधुका फिल्म्स के साथ एक हॉरर कॉमेडी फिल्म लेकर आ रही है, जिसमें बॉलीवुड अदाकार आयुष्मान खुराना और रश्मिका आपको नजर आएंगे। मधुका फिल्म्स की जानिब से एक और हॉरर कॉमेडी फिल्म पेश की जा रही है, इसी हवाले से आपको अपडेट्स देंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो का आगाज करते हैं, चैनल में आपको वेलकम करती हैं। गाइस आपको बताते चलें कि मधुका फिल्म्स की जानिब से एक और नई हॉरर कॉमेडी फिल्म थम्मा का ऐलान किया गया है, जिसमें बॉलीवुड अदाकार आयुष्मान खुराना, रश्मिका और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मरकजी किरदार में होंगे। इस फिल्म को आदित्य डायरेक्ट कर रहे हैं, जबकि फिल्म दिवाली 2025 को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। गाइस आपको बताते चलें कि मधुका फिल्म्स स्त्री 2, भेड़िया और मजिया जैसी फिल्में बना चुकी हैं और इसकी कॉमेडी हॉरर फिल्मों में ये सब फिल्में शामिल हैं, जबकि अब थम्मा एक नया इसमें इजाफा होगा। थम्मा में आपको बहुत से ऐसी नए किरदार देखने को मिलेंगे और इसे इस हॉरर कॉमेडी फिल्म में मज़ीद दिलचस्पी को बढ़ाया गया है। फिल्म की कहानी एक खूनी मोहब्बत पर मबनी है। गाइस आपको बताते चलें, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये खबर सामने आई है कि थम्मा में वीपर्स का किरदार भी इन के किरदारों में एक नया किरदार होगा। इस फिल्म में चुड़ैले, सरकटे रूहें, भेड़िए और वीपर्स को एक साथ दिखाया जाएगा। इस फिल्म को मज़ीद हॉरर और कॉमेडी बनाने के लिए बहुत से नए किरदार भी शामिल किए गए हैं, जिससे ये फिल्म मुकम्मल तौर पर हॉरर कायनात का एक नया इम्तिज़ाज और पेशी खेमा पेश करेगा। गाइस आपको बताते चले कि मधुका फिल्म्स भेड़िया 2 और स्त्री 3 पर भी काम कर रहा है, जिससे इस बात की तरफ इशारा मिलता है कि आने वाले सालों में हॉरर कॉमेडी कायनात में मज़ीद इजाफा होगा। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसे मुकम्मल अपडेट्स के साथ आपके साथ शेयर किया है। इस बार आपको बॉलीवुड के दो होनहार एक्ट्रेस एक साथ स्क्रीन पर दिखाई देंगे। रश्मिका और आयुष्मान खुराना की जोड़ी से मुतल्लिक आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट्स में बता सकती हैं। और इस फिल्म थम्मा के हवाले से आपकी क्या राय है, ये भी आप हमें फीडबैक लाजमी दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए। चैनल पर नहीं है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, आने वाली हर लेटेस्ट न्यूज का नोटिफिकेशन हासिल करें। आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो में एक नए टिप के साथ। तब तक आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखिएगा। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।